दोस्तों ट्रिकमैन चैनल में आपका स्वागत है और मैं इसमें बताता हूँ आपको जीके और करंट अफेयर की फ़नी ट्रिक्स। तो मैं आज आपको क्वेश्चन वन से स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों, अगर आप देशभक्त हैं और आप किसी को सूतना चाहते हैं तो आप किसे सूतना चाहेंगे? आतंकवादियों को ना, तालिबानियों को ना? तो बस ये देखिए, अगर क्वेश्चन आपका पेपर में आता सुतेगा का, तो आंसर जो टिक करना है आपको वो करना है तालिबान, मतलब ताइवान। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुतेंग चंग को किस राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, मतलब सुतेंग चंग कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? वो होंगे तालिबान के, तालिबान के। तो याद रहेगा सुतेगा तालिबान, क्वेश्चन आया सुतेगा तो तालिबान। और आपको रटने की ट्रिक भी बताता हूँ, मेरे साथ साथ आपको वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी बोलना भी, सुतेगा तालिबान, सुतेगा तालिबान, सुतेगा तालिबान, सुतेगा तालिबान, इस तरह से जब तक आपके अटके ना तब तक बोलते रहना। ठीक है, इसी तरह सारी ट्रिक आप रटेंगे, मैं बार बार नहीं बताऊँ। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की ट्रिक है, रेल से विद्यालय की ओर बढ़ो। मतलब अगर आपको जो है विद्यालय की ओर जाना हो, आपका विद्यालय जो है 50-60 किलोमीटर दूर है, तो आप कैसे जाएंगे? आप जाएंगे रेल से। ठीक है, किससे जाएंगे? रेल से तो जाएंगे। बस यही क्वेश्चन, अगर रेल से विद्यालय वाला क्वेश्चन पेपर में आता, रेल विद्यालय मतलब रेल विद्यालय का क्वेश्चन आता है, तो आंसर होगा बड़ो। क्या आंसर होगा? बड़ो, बड़ो मतलब बड़ोदरा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का पहला रेल और परिवहन विश्वविद्यालय किस शहर में काम करना शुरू कर चुका है? पहला रेल विद्यालय का अगर क्वेश्चन आए तो आंसर लिख दो वडोदरा। ट्रिक ऐसी है, रेल से विद्यालय बढ़ो, 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 इस तरह से अपनी फास्टेस्ट स्पीड तक रुकना नहीं है। नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं, अगर मान लो आपको जो है पान लाना हो और आपके पास जो है रुपया नहीं है नगद, तो आप कैसे लाएंगे? ATM को स्वाइप करके ही तो लाएंगे, स्वैप करके ही तो लाएंगे ना। बस क्वेश्चन यही है, ATM कार्ड को स्वैप किया जाता है ना मशीन में, बस अगर स्वैप कर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्वैप कर का अगर क्वेश्चन आता है, जैसे कि यह है स्वैप, ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पान। क्या आंसर होगा? पान मतलब जापान। तो ट्रिक बनेगी, स्वैप करके लापान, स्वैप करके लापान, ATM कार्ड को स्वैप करके लापान, स्वैप कर लापान, स्वैप कर पे क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा बस जापान। ठीक है, स्वैप करके क्या आएगा जो? तो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था को मंजूरी दी है? ठीक है, ये जो है निवेश बढ़ाने के लिए स्वैप व्यवस्था, निवेश मतलब देश में जो है निवेश हो इसलिए। ठीक है, तो इसका आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, स्वागत कर। ठीक है, अगर आपको जो है कोई सहायता प्रदान करता है, कर की सहायता मतलब, कर मतलब इंग्लिश में कहते हैं टैक्स, अगर आपको कोई कर की सहायता प्रदान करता है तो आप उसका क्या करेंगे? स्वागत करेंगे ना, बस यही है आंसर। अगर कर सहायता प्रदान वाला क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा स्वागत, स्वागत मतलब इस्वातिनी, इस्वातिनी। ये तो रही ट्रिक, क्वेश्चन समझाता हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राष्ट्र को कर सहायता प्रदान करने के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? ठीक है, कर सहायता प्रदान किसे की जा रही है, बस इतना ध्यान रखो, कर सहायता प्रदान करी जा रही है इस्वातिनी को, और इसका पुराना नाम था स्वाजीलैंड। ये स्विट्जरलैंड अलग है और स्वाजीलैंड अलग है, ये आपको ध्यान रखना है, स्वाजीलैंड अलग है और स्विट्जरलैंड अलग है, तो इसका नया नाम इस्वातिनी है, तो बस इतना ध्यान रखो। स्वागत कर, स्वागत कर, स्वागत कर, स्वागत कर, स्वागत कर, कर पे क्वेश्चन आता है तो स्वागत आंसर लगा देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन टू की ही ट्रिक से याद रहेगा। ठीक है, अलग से ट्रिक की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसमें यह है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत मॉडल सिंगल विंडो के विकास पर भारत और किस राष्ट्र के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? ये समझ लो, सिंगल विंडो पर जो है भारत और किस राष्ट्र के बीच जो है समझौता हुआ है। अब सिंगल विंडो में मतलब, जैसे मैंने वो ट्रिक बताई थी आपको सेकंड वाली, इसका आंसर होगा जापान। ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी आसान आंसर था जापान, स्वैप कर लापान। ठीक है, स्वैप कर लापान मतलब ये निवेश करने के लिए था। ठीक है, द्विपक्षीय समझौता जो है जापान से था, ऐसे ही जो है वही आंसर इसका सेम टू सेम यही है। यहाँ भी जो है सिंगल विंडो के थ्रू जो है निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है, इसका आंसर होगा जापान। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी देश में, अगर मतलब अगर आप किसी भी राज्य में एम्स खोलना चाहते हैं तो आप कहाँ खोलेंगे? तो
तो आप खुद ही बताइए कहाँ खोलेंगे। आप वहाँ खोलेंगे जहाँ से देश को कम सपोर्ट मिलता है, एम्स खोलने से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, इसलिए आप पहले वहाँ एम्स खोलेंगे। तो वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही जो है सपोर्ट भारत को कम मिलता है, तो वहाँ पे हम खोलना चाहेंगे। ये तो रही वो, अब ट्रिक है जमूरे एम्स जा, ठीक है, हम किसी को भेज रहे हैं जमूरे एम्स जा। तो अगर जम्मू एम्स वाला क्वेश्चन आता है नए एम्स खुलने वाला, तो इसका आंसर होगा जमूरे, जमूरे एम्स जा, जमूरे एम्स जा, जमूरे एम्स जा, जमूरे एम्स जा, मेरे साथ साथ बोलते रह करिए। दो नए एम्स जल्द ही आने वाले हैं जिनमें निम्नलिखित राज्यों में से हैं, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, ध्यान रहेगा, जमूरे एम्स जा, जमूरे एम्स जा, जमूरे एम्स जा, मेरे साथ साथ पॉज करके देखते रहिए। इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई किस दिन के लिए तय की है, सुनवाई किस दिन के लिए तय की है, 29 जनवरी, ठीक है। अभी सुनवाई पूरी होने के बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे, सुनवाई से पहले के नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसके लिए ये भी कोई खास, ये तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसरो पहली मानव युक्त मिशन को कब तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहे हैं, मतलब इसरो के साइंटिस्ट आप मानव युक्त मिशन भेजना चाह रहे हैं अंतरिक्ष में, तो आप क्या जवाब देंगे, ऐसे कहेंगे ना इस साल तो नहीं पहुंच पाएगा 2019 में, 2021 तक भेज देंगे, 2021 के आखिर तक, तो 2021 के लास्ट तक, मतलब दिसंबर 2021 के लास्ट तक मिशन भेज ही देंगे, ये जवाब होता, बस वही आपको जवाब फिट करना है, कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन में भी याद नहीं करना, अपने आप आंसर आपको याद आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उन 6 राज्यों में से एक नहीं है, ये ध्यान रखना, एक नहीं है, ठीक है, जिन्होंने रेणुकाजी बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, मतलब आप एक लाइन में इस बात का समझ लिए, रेणुकाजी बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना के लिए किसने साइन नहीं किए, किसने साइन नहीं किए, उसका आंसर है गुजरात, गुजरात ने साइन नहीं किए। अब इसके लिए आप समझ लीजिए कि मान लीजिए सभी ने साइन कर दिए, कुछ राज्यों ने, लेकिन गुजरात ने नहीं किए, क्योंकि गुजरात कह रहा है अरे हम अपना गुजारा खुद ही कर लेंगे, और ये पानी के ले पानी से पर्पस था उसका, स्वच्छ पानी पीने से मतलब था, गुजरात कह रहा है गुजरात गुजारा खुद कर ले, गुजरात कह रहा है हम गुजारा खुद ही कर लेंगे अपना, हमें ज़रूरत नहीं है हस्ताक्षर करने की, बस ये है, इसे को याद नहीं करना ये कोई ट्रिक, ये समझ लो गुजरात में इतनी दम है वो अपना गुजारा खुद कर सकता है, इसलिए उसने साइन नहीं करे, ठीक है। इसके बाद है FSSAI ने खाद्य व्यवसायों को किस तिथि तक नए पैकेजिंग मानदंडों का अनुपालन करने के लिए कहा है, ठीक है, खाद्य व्यवसाय मतलब फूड से रिलेटेड जो बिजनेस है उनमें पैकेजिंग के लिए जो है नियम बनाए गए हैं, ठीक है, तो वो किस डेट तक के लिए कहा गया है, ये भी जो है कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है, तो इसका जो है आंसर आप देख लीजिए, देखिए ये थ्योरी है और यहाँ पे आप चाहो तो ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए जो है मैं इतना वो डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, और पढ़ा भी सकता हूँ अगर आप चाहें तो, ठीक है, तो इसका आंसर है 1 जुलाई तक, मतलब जुलाई का महीने स्टार्टिंग होती है बस, जो 1 जुलाई तक, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लगी नीचे कमेंट करें, और हाँ मैं इस चैनल पर नया हूँ, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाद में मेरी वीडियो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। धन्यवाद।